एक बार एक छोटे से गांव में एक औरत कुल्फी बेचने आती है। वो अपने बड़े से ठेले को लेकर पूरे गांव में घूमने लगती है। ले लो मुंबई की स्पेशल कुल्फी ले लो, कोई भी तरह की कुल्फी ले लो, बादाम कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, मिल्क कुल्फी, इलायची कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, ले लो मुंबई की स्पेशल कुल्फी ले लो। गांव वालों ने पहले इस कुल्फी वाली औरत को यहाँ कभी नहीं देखा होता है। अरे तुमको हमने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है, वैसे कितने की है ये तुम्हारी कुल्फी? हाँ मेम साहब, मैं बड़ी दूर से ये मुंबई की स्पेशल कुल्फी अपने हाथों से बना कर लेकर आई हूँ। मैं दूसरे गांव की हूँ और मेरी कुल्फी तो सलमान और शाहरुख खान भी बहुत पसंद करते हैं। अभी अभी गांव के मुखिया को भी अपनी कुल्फी खिला कर आ रही हूँ। आओ आप भी ले लो वरना कहीं खत्म ना हो जाए। और हमारे पास बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक स्पेशल कुल्फी भी है। अच्छा सही बताओ, ये तो बड़ी अनोखी बात बताई तुमने। लाओ फिर हमें भी अपनी स्पेशल कुल्फी खिलाना, तो जरा हम भी तो देखें तुम्हारी कुल्फी में ऐसा क्या खास है। कुल्फी वाली उस गांव की औरत को एक स्पेशल कुल्फी खिलाती है। अरे वाह वाह, तुमने तो हमें राधा और राम की याद दिला दी। वो भी हमें ऐसी लाजवाब कुल्फी खिलाया करते थे, पर फिर उन्होंने अपने लालच के चलते अपनी कुल्फी की रेसिपी एक अमीर आदमी को बेच दी और वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। कुल्फी वाली ये सुनकर हैरान रह जाती है पर कुछ भी नहीं कहती। इसी तरह गांव का हर आदमी उस कुल्फी वाली की स्पेशल कुल्फी खाता है, और सिर्फ एक बार ही नहीं कई बार, क्योंकि वो होती ही इतनी ज्यादा ठंडी और मजेदार है। वाह वाह वाह, कुल्फी वाली क्या कुल्फी खिलाई है। अब गर्मियां शुरू हो रही हैं। आती जाती रहना तुम तो हमारे गांव में। अरे क्यों नहीं भैया, जरूर अब तो मैं आती जाती रहूंगी। कुल्फी का सीजन जो आ गया है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो कुल्फी वाली सारी कुल्फी बेचकर गांव के बाहर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपना ठेला लेकर चली जाती है। पर जैसे ही वो अपने ठेले को अपने घर के अंदर ले जाकर खड़ा करती है, तभी अचानक से वो ठेला एक राक्षस में बदल जाता है। इसके साथ साथ वो कुल्फी वाली भी एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं। मेरे भाई, हमारा बदला अभी भी अधूरा है। ये गांव वाले आज भी ये समझते हैं कि हमने अपने लालच के चलते सब कुछ किया, पर इन्हें असलियत पता ही नहीं। पर हमें जल्द से जल्द उस दुष्ट फैक्ट्री के मालिक को ढूंढना होगा। हाँ मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम उसका भी यही हाल करेंगे। सुबह होते ही सब गांव वाले भूत भूतनिया बन चुके होंगे। हाँ, और अब उन्हें पता चलेगा कि हम किस तकलीफ से गुजरे हैं। इतना कहकर दोनों भूत भाई बहन जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मीना नाम की एक औरत शीशे के सामने खड़ी होती है और खुद को देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ती है। वो खुद को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही होती। उसके हाथों पैरों पर लंबे लंबे बाल निकल आते हैं और उसका पूरा शरीर लाल रंग का हो जाता है। हाय राम, मैं बर्बाद हो गई। हाय मेरा सुंदर चेहरे को क्या हो गया। कोई सुन रहा है कि नहीं भाई, कोई आओ और मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर उसका पति अंदर कमरे में आ जाता है और जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो दोनों ही चिल्ला पड़ते हैं। अरे ओ मीना, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? है? क्या तुम आज मेकअप करना भूल गई? अरे जाओ जल्दी ताकि मेकअप करो, मुझसे तुम्हारी ये असली शक्ल बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। हाँ। हे भगवान, ये मैंने कैसे आदमी से शादी कर ली। अरे जरा इधर आकर आईने में खुद को देखो जी, तुम्हारी भी यही हालत हो गई है। और सच में वो दोनों बिल्कुल किसी भूत जैसे लग रहे होते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से लाल रंग का हो जाता है और उनके हाथ पैरों पर लंबे लंबे बाल आ जाते हैं। और सिर्फ उनके परिवार का ही नहीं, पूरे गांव के हर रहने वाले इंसान का वही हाल होता है। वो सब एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं, तभी सब गांव वालों में से एक आदमी कहता है, अरे भाई, हम सब की ऐसी हालत भला कैसे हो गई है? और इसे ठीक कैसे करना है ये भी बताओ। अरे जल्दी बताओ। दूसरी औरत कहती है, तुम सबको वो कुल्फी बेचने वाली औरत याद है? वो उसी की कुल्फी हम सबने खाई थी और देखो उसके बाद से ही हमारा ये हाल हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम रिंकी बहन, जरूर उस डायन ने कुल्फी में कुछ मिलाया होगा। अरे देखो ना क्या हाल हो गया है मेरे सुंदर चेहरे का। अब हम क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे।
इतना कहकर लोग सारे गांव में उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन वो शीला को नहीं ढूंढ पाते। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल फिर से कुल्फी वाली के रूप में आती है और फिर से अपना ठेला लेकर एक बड़ी सी फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़ी होती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, मीठी मीठी ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो कुल्फी, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा, कुल्फी ले लो कुल्फी। फैक्ट्री के अंदर से तीन चार लोग बाहर आते हैं, उनमें से एक आदमी कुल्फी वाली से बोलता है, कौन हो तुम? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कुल्फी, चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे साहब, एक बार मेरी कुल्फी खाकर तो देखो, दुनिया की सारी कुल्फियाँ भूल जाओगे। कुल्फी वाली के इतना कहने पर वो आदमी और उसके साथ खड़े चार पांच लोग कुल्फी खाते हैं। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक कहती हो, ऐसी कुल्फी तो मैंने आज तक नहीं खाई, सचमुच मजा ही आ गया। इतने में फैक्ट्री का मालिक अंदर से बाहर आता है। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, ये कुल्फी वाली यहाँ अपनी कुल्फी बेचने आई थी, बहुत स्वादिष्ट कुल्फी है सर, आप भी खा कर देखिए, एक बार खाइए तो सही। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं कैसी है तुम्हारी कुल्फी। उस फैक्ट्री के मालिक को देखकर शीला की आंखों में बहुत गुस्सा भर रहा था। जी जी साहब, ये लीजिए ना। वाह, ये कुल्फी तो सच में लाजवाब है, जरा बताओगी कि ये तुमने कैसे बनाई? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं शाम को आती हूँ और आकर आपको सब बताती हूँ। इतना कहकर वो कुल्फी वाली वहाँ से चली गई। शाम को जब कुल्फी वाली वापस आई तो उसने देखा कि फैक्ट्री के अंदर मालिक और सब वर्कर्स का भी वही हाल था जो कि गांव वालों का हुआ था। उन सब के शरीर पर लंबे बाल निकल आते हैं और उनका शरीर लाल रंग का हो जाता है। वो फैक्ट्री के अंदर अपने ठेले को लिए पहुंच जाती है और फैक्ट्री का मालिक उसको देखते ही बोला, अरे ओ चुड़ैल, ये तूने हम सबको कैसी कुल्फी खिला दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी पहचान गया कि मैं चुड़ैल हूँ, और मुझे तू कितनी बार मारेगा, एक बार तो पहले ही मार चुका है। इतना कहकर कुल्फी वाली और उसका भाई अपने असली रूप में आ गए। दूसरी तरफ गांव वालों को खबर मिली कि कुल्फी वाली को फैक्ट्री के पास देखा गया है, तो वो सब भी फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए। कुल्फी वाली को ऐसे देखकर सबके होश उड़ गए। अरे बाप रे बाप, ये तो कितनी भयंकर चुड़ैल है और इसके साथ ही कितना डरावना राक्षस भी है, भागो यहाँ से सब लोग, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वाले भागने लगते हैं पर फैक्ट्री के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चुड़ैल और उसका भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहाँ भाग रहे हो तुम सब, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक हम नहीं जाएंगे। कौन हो तुम, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे रे 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 रे, तुझे कुछ भी नहीं याद है ना? जरा ध्यान से देखो हम दोनों को, हम ही हैं राधा और राम। नहीं, तुम राधा राम नहीं हो सकते, और क्या मतलब है तुम्हारा, क्या किया मैंने? वो लड़की मरकर एक चुड़ैल बन गई और उसका भाई एक राक्षस। अरे मगर इसका बदला तुम हम सब से क्यों ले रही हो, हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर फिर भी अब हमारा क्या होगा? मुझे पता है तुम सबकी इसमें कोई गलती नहीं, पर मैंने उस दिन बहुत चीखा चिल्लाया पर कोई मुझे बचाने नहीं आया, उल्टा उस फैक्ट्री के मालिक ने हमें मारने के बाद तुम लोगों को गलत बताया कि हमने लालच के चलते इसको कुल्फी की रेसिपी बेची और शहर चले गए। यही नहीं, तुम में से कुछ गाँव वालों ने तो इस दुष्ट फैक्ट्री मालिक का साथ दिया था हमें मारने में, इसके लालच ने हमारी जान ले ली, मैं बस सारा सच सामने लाना चाहती थी। इतना कहकर चुड़ैल फैक्ट्री मालिक को उठाती है और कुल्फी बनाने वाली मशीन में डाल देती है। अरे 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 बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। तुझे क्या लगता है इनमें से कोई तुझे बचाएगा? अरे नहीं नहीं, ये लोग किसी की जान नहीं बचाते हैं। तभी राक्षस ने उन गांव वालों को पकड़ा जिन्होंने उसकी और उसकी बहन की जान ली थी और उन्हें हवा में घुमाकर कई बार नीचे पटका, तब तक जब तक उनकी जान नहीं चली गई। सारे गांव वाले खड़े होकर ये सब देख रहे थे पर उनकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही चुड़ैल और उसके भाई का बदला पूरा हुआ, उन दोनों को मुक्ति मिल गई और वो गायब हो गए। गांव वाले भी पहले जैसे हो गए और अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा।